शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आप सभी को सपरिवार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन को दीपावली का दीपोत्सव सुख समृद्धि सौहार्द शांति तथा अपार खुशियों की रोशनी से जगमग करे। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, अतः इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना गया है। 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व दीपावली का प्रारंभ धनतेरस के त्योहार से होता है। धनतेरस सुख धन तथा समृद्धि का त्योहार माना जाता है। इस दिन चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है तथा अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं तथा राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु देवताओं को अमर करने हेतु भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर कलश में अमृत लेकर समुद्र से निकले थे। अतः भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में वे शंख तथा चक्र धारण किए हुए हैं तथा दूसरी 2 भुजाओं में औषधि के साथ अमृत का कलश धारण किए हुए हैं। समुद्र मंथन के समय अत्यंत दुर्लभ तथा कीमती वस्तुओं के अलावा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कार्तिक द्वादशी के दिन कामधेनु गाय त्रयोदशी को धन्वंतरी तथा कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवती माँ लक्ष्मी जी का समुद्र से अवतरण हुआ था। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा प्रदोष काल के समय करनी श्रेष्ठ मानी गई है। प्रदोष काल सूर्यास्त के पश्चात प्रारंभ होता है तथा 2 घंटे 22 मिनट तक व्याप्त रहता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है तथा चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अतः चांदी खरीदने से मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। अतः जिसके पास संतोष है वह व्यक्ति स्वस्थ सुखी तथा धनवान है। ऐसा माना जाता है कि पीतल भगवान धन्वंतरी को प्रिय धातु है, क्योंकि अमृत का कलश पीतल का बना हुआ था। अतः धनतेरस के दिन पीतल खरीदना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई कोई भी वस्तु शुभ फल प्रदान करती है तथा लंबे समय तक कार्यरत रहती है तथा शुभ एवं मंगलदायक फल प्रदान करती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। धनतेरस के पर्व पर देवी लक्ष्मी जी तथा धन के देवता कुबेर के पूजन की परंपरा के साथ साथ देवता यम को दीप दान करके पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि धनतेरस के त्योहार पर यम देव की पूजा करने से असमय मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। अतः यम देव की पूजा करने के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला एक दीपक पूरी रात्रि जलाना चाहिए। इस वर्ष 2018 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 नवंबर रविवार की मध्य रात्रि 1:24 से प्रारंभ होकर 5 नवंबर सोमवार की रात्रि 11:46 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष धनतेरस पूजा का त्योहार 5 नवंबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस वर्ष 2018 में धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर सोमवार की सायं 6:08 से 7:58 तक का रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से धन तथा स्वास्थ्य का लाभ होता है तथा व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।